2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले क्या बिहार में फिर कोई बड़ा खेला होने वाला है? लगातार हो रहे सियासी घटनाएं तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ताजा मामला विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी से जुड़ा हुआ है। पहले उन्होंने नीतीश का साथ छोड़ा, फिर उन्हें केंद्र ने वाई प्लस सुरक्षा दी। नीतीश सरकार में मंत्री रहे मुकेश सहनी ने अपना सरकारी बंगला भी छोड़ दिया। माना गया कि ये कदम उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि अब खुलकर वो तेजस्वी नीतीश पर अटैक कर पाएंगे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह का पाला बदलते ही अलग रूप देखने को मिला था। लेकिन बीते दिनों जो बयान पूर्व मंत्री सहनी ने दिया, उसके बाद तो बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि उन्होंने बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में बीजेपी और महागठबंधन दोनों की तैयारी जोरों पर है। महागठबंधन में 6 पार्टियां शामिल हैं, लेकिन मुकेश सहनी की वीआईपी पर सबकी नजर बनी हुई है कि मुकेश सहनी किस पार्टी के साथ जाने वाले हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि 25 जुलाई को मुकेश सहनी बड़ी घोषणा करेंगे कि 2024 में वे किसके साथ गठबंधन करेंगे। इस बीच सहनी ने पटना में एक बयान देकर बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियों की अटकलों पर ब्रेक लगा दिया है। लैंड फॉर जॉब मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीबीआई की चार्जशीट के बाद बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी की इस मांग पर वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेता हैं जिस पर कई तरह के मुकदमे हैं, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी में शामिल होते ही दूसरे पार्टी के नेता वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। कोई कितना भी गंदा हो, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाएंगे तो साफ होकर बाहर निकलेंगे। सैनी का बयान ऐसे समय पर आया है जब एलजीपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान चिराग ने बीजेपी से मांग की थी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले सीटें तय की जाए, इसके बाद ही पार्टी एनडीए में शामिल होगी और केंद्रीय मंत्री के तौर पर वो शपथ लेगी। जानकारी के मुताबिक चिराग अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वही वीआईपी चीफ मुकेश सहनी जिस बिरादरी से आते हैं उसकी आबादी बिहार में 14% आंकी गई है। बीजेपी के कोर वोटर के साथ सहनी की बिरादरी जुटती है तो नीतीश कुमार के अलग होने से पैदा हुए गैप को काफी हद तक पाटा जा सकता है। ऐसे में लगता है कि बीजेपी के लिए बिहार से एक ही वक्त में 2 बुरी खबर सामने आई है। पासवान डिमांडिंग हो रहे हैं तो वही सहनी भी नीतीश पर हमला करने के बजाय बीजेपी को उल्टा घेरने में जुटे हुए हैं। पटना में आईपीएस रहे बीके सिंह को सदस्यता दिलाने पहुंचे मुकेश सहनी ने कहा कि 2017 में भी ऐसे ही चीजों को फैलाया गया था। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मजबूर किया गया, इसके बाद मुख्यमंत्री ने मन बदल लिया था। सैनी ने कहा कि ये एक चुनावी और एक पार्टी को कमजोर करने का षड्यंत्र है। ये चीज पूरा बिहार और पूरा देश मान रहा है। राज्य में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है। बताते इस वक्त बहुत सारे अलग अलग बिरादरी के लोगों ने निषादों की पार्टी माने जाने वाले वीआईपी में एंट्री ली है और लगता है इससे सहनी में कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। खैर, ये सारे तो कयास है। इंतजार है तो 25 जुलाई का, जब मुकेश सहनी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस दौरान वो इस बात को भी साफ कर देंगे कि आखिरकार उनकी पार्टी 2024 में किसके साथ रहेगी, एनडीए या फिर महागठबंधन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।